गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ में। सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले मीटिंग्स में जो डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिस में अंतर होने के कारण जो हम पढ़ते हैं उसका हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे उतना इफेक्ट थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं भी आता है। तो आज हम लोगों ने जो पुस्तक ली है, बेसिकली मम्मी ने, बसुमती जी ने, वो है, उसका नाम है व्यवहारिक आत्मविद्या, प्रैक्टिकल ओकल्टिज्म, जो कि एचपी ब्लावस्की ने लिखी थी, जो कि हमारे डेली लाइफ के बारे में कुछ सजेशंस देती है। एकम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वरे तम विरूपाक्षम विश्वरूपाय वै नमः। जैसा कि शिखर ने अभी बताया कि व्यवहारिक आत्मविद्या में से ये लिया गया है, और इसका कारण ये है कि हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये एक निरुद्देश भाषण और सुंदर बातचीत बन के रह जाए, है ना, एक ऐसा भाषण जो लोगों को सुनने में अच्छा लगा और या सुंदर बातचीत तक सीमित न रह जाए, या आध्यात्मिक मूल्यों का एक संग्रह मात्र न बन जाए। तो इस व्यर्थ की भटकन से मुक्त होने के लिए मैडम ब्लावस्की ने कुछ दैनिक जीवन में उपयोग करने योग्य कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ परामर्श दिए हैं, जिनसे कि मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो आज हम वही आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जब भी कभी बात होती है किसी धर्म, किसी अध्यात्म की, तो आदमी को लगता है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, उसको कोई अनुष्ठान, कोई आडंबर, कोई स्टडी में टाइम देना पड़ेगा। जबकि आप देखेंगे इसमें सुबह से उठकर और रात्रि को सोने तलक जो बात बताई गई है, उसमें दिन में वो एक्टिविटीज हम करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, हम सोते भी हैं, और हम खाली भी कभी कभी बैठते हैं, और सुबह सोकर जब उठते हैं तो कहने का तात्पर्य ये है, भोजन करते हैं, तो ये तात्पर्य है कि इन एक्टिविटीज के साथ या उस समय में मेरा सोचना, मेरा चिंतन क्या होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, उससे हमको बहुत लाभ पहुंचता है। तो हम शुरू कर रहे हैं कि जैसे ही मैडम ब्लास की लिखती है, जैसे ही नींद खुले खूब प्रातः उठ जाइए। आप सब कहेंगे हम लोग तो उठ ही जाते हैं, लेकिन अब उठ तो जाते हैं मगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है। तो सब प्रयास शुरू में हमको प्रयास करना पड़ेगा कि जैसे अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अर्ध स्वप्न में या अर्ध जागृत होके भी करवटें बदलते रहते हैं, उठते नहीं है। तो उनका कहना है कि सुबह जैसे ही आंख खुलती है वैसे ही आप चैतन्य होकर उठकर बैठ जाइए। और अब आप बैठकर करें क्या, आप तुरंत बैठिए और एक प्रार्थना करिए। वो प्रार्थना ये हो कि मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक प्रगति हो, मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक उन्नति हो, प्रगति हो, ऐसी प्रार्थना सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले बिस्तर पे ही बैठकर आप ये प्रार्थना करें। क्यों करें? क्योंकि हमने थियोसॉफी में विचार, विचार तरंग और विचार रूपों के प्रभावी जो एक इम्प्रेशंस पड़ते हैं माइंड पर, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी है। तो जो ये प्रार्थना हम लोग करते हैं उससे जो संसार में अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं उनको चलने की शक्ति प्राप्त होगी आपकी प्रार्थना से। और दूसरा क्या होगा कि आप स्वयं भी सबल बनेंगे, स्वयं भी सबल बनेंगे और इंद्रियों के प्रलोभन के शिकार नहीं बनेंगे। अब इसके बाद क्या करें कि आप अपने गुरुदेव, गुरुदेवों का ध्यान मन में कर सकते हैं, या आप अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर सकते हैं।
जिसका भी आप ध्यान करें उनके रूप का, उनके गुणों का विस्तार से और गहराई से चिंतन करें। और अब एक और प्रार्थना करनी है। पहली प्रार्थना तो ये थी कि मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक प्रगति तीव्र हो, उन्नति हो। दूसरी प्रार्थना ये करनी है कि अपने कर्तव्यों के अपालन के अपराध, बहुत ही एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसका, जो भी मेरे कर्तव्य थे क्या मैंने उनका पालन किया है, और अगर नहीं किया है तो उससे जो गलती हमसे हुई है और हमारे अंदर जो दोष विद्यमान है उनके लिए आप गुरुदेव से या अपने इष्ट देव से क्षमा प्रार्थना करिए उसके लिए। इससे होगा क्या, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने में बहुत सहायता मिलती है। एक मिनट। शर्मा जी आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन करिए तो आपको आवाज आने लगेगी। हाँ लॉग आउट करके फिर से एक लॉग इन करिए तो आपको आवाज आएगी। हाँ ठीक है आप शुरू फिर से कर लो। हाँ तो हम सुबह की प्रार्थना के बारे में बात कर रहे थे। एक तो मनुष्य मात्र की आध्यात्मिक प्रगति की प्रार्थना, जिससे जो लोग अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं उनको चलने की शक्ति मिले, और दूसरा ये कि हमने अपने कर्तव्य जो पालन नहीं किए हैं और उससे जो अपराध, जो गलतियां हुई हैं मेरे से और जो दोष मेरे अंदर हैं उनको हम क्षमा मांगे प्रभु से, प्रभु से या अपने गुरुदेव से या अपने इष्ट देव से क्षमा मांगे। उससे होगा क्या कि एक तो मेरा मन एकाग्र होगा, दूसरा मेरा हृदय पवित्र होगा। और ये भी कहते हैं कि अगर आप ये ना कर सके, मान लीजिए सुबह उठ के टाइम कितना देना है, 5 मिनट से अधिक लगेगा नहीं, इतनी देर तो हम लेटने से उठकर बैठने में लगा देते हैं, तो 5 मिनट में ये कार्य आपका हो जाता है। और कहते हैं कि दूसरा क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका भाई इष्ट देव गुरुदेव या अपने गुण उसके चिंतन में मन नहीं लग रहा है, तो आप दूसरा क्या काम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि अपने दोषों का चिंतन करें, अपनी कमियों को देखें, अपनी बुराइयों को हृदय में धारण करिए और फिर उनकी क्षण भंगुरता को सोचिए और दृढ़ संकल्प कीजिए, और दृढ़ संकल्प कीजिए कि आप पूर्ण शक्ति से इस बात का प्रयास करेंगे कि फिर आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने के दौरान हम शुरू में बार बार गिरते हैं, मगर बार बार उठकर, जैसे हो ना आयोडेक्स मेलिए काम पर चलिए, तो वैसे ही हमको भी उठ के खड़े हो जाना है कि कोई बात नहीं हम आगे ध्यान रखेंगे। लेकिन हृदय की ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से मैं इस बात का प्रयास करूं कि हमसे ये गलती अब दोबारा नहीं होगी। वो कहती हैं, मैडम ब्लास्की कहती हैं कि इस आत्मविश्लेषण से, जब आप अपना आत्मविश्लेषण करेंगे और अपने अंतस में झांकेंगे, अपने अंतस के न्यायालय में जब आप इसको बार बार कसौटी पर कसेंगे, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में इतनी सरलता आ जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। और ये बात सत्य है, क्योंकि पूरा ना सही, पूरा ना भी सही, तो भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस मैंने की है, इसीलिए इसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में मैं आपको बता पा रही। जिस समय आप क्या कहते हैं, नहाते भी आप हैं, जब आप नहाने गए हैं, स्नान करने गए हैं, तो आपको क्या सोचना है कि अपनी सारी इच्छा शक्ति इस विचार में लगा दें कि हमारी नैतिक मलिनता शारीरिक मलिनता के साथ साथ धुलकर निकल रही है। हमारी नैतिक मलिनता जो है वो शारीरिक मलिनता के साथ साथ धुलकर निकल रही है, और मैं अंदर से, मन से, भावना के स्तर पर भी पवित्र हो गया हूँ, ये इतना करना है। आप देखिए, नहाते भी आप हैं, सोकर उठते भी हैं, अब आप भोजन भी करेंगे, उसका भी अभी आगे आएगा, लेकिन साथ में वो कुछ नियम भी बता रही हैं कि एक कुछ नियम है उनका पालन जरूर करें। उस नियम में पहला नियम क्या है कि सबसे पहले आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसे आप अपना कर्तव्य समझकर करने के लिए बाध्य नहीं है। पहले तो ये डिफाइन कीजिए कि आप देखिए, मानव के लिए तो पूरा कर्तव्य है कि पूरी सृष्टि के लिए वो जो कर सकता है करे, क्या खनिज, क्या वनस्पति, क्या पशु जगत, क्या मनुष्य, समस्त प्राणी मात्र के लिए एक मनुष्य का कर्तव्य बनता है। लेकिन साथ ही
जब हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो हमको ये देखना है कि ऐसा कोई काम हम ना करें जो हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारे कर्तव्य क्षेत्र से बाहर है। अर्थात ऐसा कोई कार्य जो अनावश्यक हो उसे मत कीजिए, और करने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि क्या ये करना आपका कर्तव्य है या नहीं है। दूसरी बात क्या बताते हैं, जिसके लिए सब लोग कहते हैं, वाणी संयम पर तो बहुत ही बात हो चुकी, वो कहते हैं अनावश्यक बात कभी मत बोलिए। जब मैं थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि मैंने जब इसकी प्रैक्टिस सालों पहले शुरू की थी, तो मैंने कुछ प्रतिदिन कुछ घंटे के मौन में ये बात देखी कि हम बहुत अनावश्यक बोलते हैं। एक छोटी सी बात हमको सूचना के तौर पे देनी है और उसमें इधर उधर में 4-5 सेंटेंसेस और आ जाते थे। मैंने धीरे धीरे उसे कट करना शुरू किया और कर करके अब ये बात समझ में आई है कि टू द पॉइंट हमको बोलना है, हमें अनावश्यक बात नहीं बोलनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखी, बोलने से पहले ये ध्यान रखना है कि उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसे हमें सोच लेना है, जरूर सोच लेना चाहिए कि दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी बात इसमें उन्होंने बता दी है कि संगत के प्रभाव के कारण अपने सिद्धांतों का हनन मत होने दीजिए। अर्थात जिसे हम सत्य समझते हैं उसे किसी भी तरह से, चाहे वो मेरा हायर अधिकारी हो, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, तो हमें सत्य बात कहने का साहस रखना चाहिए, अर्थात अपने सिद्धांतों का हनन नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात वो आगे बढ़ के क्या कह रही हैं? इतना हो गया, पहला ये हो गया कि जो आपका कर्तव्य है केवल उसे ही करें, दूसरा अनावश्यक बात ना बोलें, और संगत के प्रभाव के कारण हम अपने सिद्धांतों से कोई समझौता ना करें। तीसरी बात वो कहती कि किसी भी निरर्थक या निष्प्रयोजन विचार को अपने मन में मत ठहर दे। किसी भी निरर्थक यानी ऐसी बात जिसका कोई सार नहीं निकल रहा है या कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे विचार को मन में मत ठहरने दीजिए। लेकिन ये बड़ा कठिन है, मैंने पाया कि आप जरा देर के लिए काम से फ्री होकर लेटते हैं तो आपका मन जो है वो निरर्थक इन्हीं विचारों से भर जाता है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो क्षय है वो इसी बात के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जैसे बुराई होती है तो हम बुरे चीज को जान जाते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, सबका मंगल हो, किसी का बुरा ना हो, हम तुरंत सजग हो जाते हैं। लेकिन जो निष्प्रयोज्य और निरर्थक विचार है वो हमारे मन की सारी ऊर्जा को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो ये कहने में तो बहुत आसान है मगर करना बहुत कठिन है। अब क्या करें, एकाएक तो हम अपने माइंड को रिक्त नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड रिक्त रह ही नहीं सकता, कोई ना कोई विचार चलेगा। तो क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट यानी आरंभ में बुरे अथवा व्यर्थ के विचारों को मन में आने से रोकने के लिए हमें क्या उपाय लेना है, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि या तो सिद्ध महात्माओं के पुरुषों का चिंतन करें, सिद्ध महात्मा गण जो है हमारे, या तो उनके बारे में हम चिंतन कर लें, या अपने ही दोषों का विश्लेषण करने में उस ऊर्जा को लगा दें, बजाय निरर्थक विचार, निष्प्रयोज्य विचार मेरे माइंड में भ्रमण करें, सैर करें और ऊर्जा का शोषण करें। उसके बदले में या तो मैं अपने दोषों के बारे में चिंतन कर लूं और ये सोचूं कि मैं इसको खत्म करूंगा, इसका जड़ को नष्ट करूंगा, या फिर सिद्ध महात्माओं के बारे में सोचने का प्रयास करें। अब वो चौथी बात बताती हैं, देखिए हम सभी भोजन भी करते हैं, आपको अलग से कहीं टाइम नहीं देना हो रहा है कि आपको अलग से जाके 10 मिनट भी बैठना है, ऐसा कहीं नहीं है। तो जो आदमी ये लॉजिक देता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं और अब जब बड़े हो जाएंगे तो मैं करूंगा, तो वैसा इस पे कुछ भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं आप भोजन करने बैठते हैं, क्या करें भोजन करते समय? तो वो कहते हैं कि भोजन करते समय अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा प्रयोग करें कि आपका भोजन पूर्ण रूप से पचे, और किसके अनुकूल, और आपका शरीर का निर्माण जो हो वो आध्यात्मिक आदर्शों के अनुकूल हो। ये गौर करने की बात है कि जिस समय हम भोजन ग्रहण करें हम ऐसा मन में सोचें कि वो पाचन भी हो और हमारे शरीर का निर्माण आध्यात्मिक आदर्शों के अनुरूप हो। इससे होगा क्या,
कि बुरी भावनाएं और दुष्ट विचार नहीं उठने आएंगे। आप देखेंगे जैसा कभी कभी खान पान गड़बड़ होता है तो उसका मन पे भी असर आता है, बेकार प्रकार के विचार आने लगते हैं। अच्छा, इसके आगे और क्या कह रही, इंपॉर्टेंट चीज, जब भूख लगे तभी खाएंगे। हमने ये देखा है कि हमने ये बना रखा है कि हम इस समय नाश्ता करेंगे, इस समय दिन का खाना, इस समय रात का खाना, इस समय चाय, नहीं भी है लेकिन चूंकि समय है तो आप खा लीजिए। वो कहती हैं जब आपको तेज भूख लगे तभी खाइए और जब प्यास लगे तो पानी पीजिए। इसके अलावा जो है ना, कुछ खाइए ना पीजिए। यदि आप क्या कह रही है कि यदि कोई खाने की चीज आपको आकृष्ट कर रही है, किसी चीज का आपको स्वाद याद आ गया है, तो आप उसके आकर्षण के वशीभूत ही ना खाने लगिए। आप ये भी सोचिए कि विचार आने से पहले तक उस चीज का आपके उसमें कोई अस्तित्व तो नहीं था, और जब आप खाएंगे उसे तो जितनी देर जिह्वा पे है उतनी देर स्वाद है, और जैसे ही वो अंदर गया उसका अस्तित्व नहीं। तो इस तरह हम अपनी जो आकर्षण हमको हो रहा है, स्वाद का जो आकर्षण हो रहा है, उससे हमको अपने आप को इस विचार के द्वारा कंट्रोल, थोड़ा नियमन करना है। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि हम ये भी जाने कि सुख क्षणभंगुर है, भाई जरा सा जीवा में आया उसके बाद फिर खत्म। तो इस प्रकार हमें ये देखना है कि ये सुख क्षणभंगुर है, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो चीज हमें खाने में इतना अच्छा लग रहा है, अगर हम ज्यादा खा लें तो मेरे पेट में पीड़ा हो जाएगी, ओवर ईटिंग कर लें तो क्या होता है। तो इसलिए हम इस प्रकार से अपनी उस इंद्रिय को, स्वाद इंद्रिय को इससे रोक सकते हैं। आगे वो कहती हैं कि केवल स्वाद इंद्रिय ही नहीं, कोई भी इंद्रिय अगर इस तरह से हमें प्रलोभन में डालती है तो हम यही सोचें कि ये क्षणिक सुख है, ये क्षणभंगुर है, और इसके लिए हम कोई लज्जाजनक कार्य न करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हैं, कह रही है मैडम ब्लावस्की कि अगर हम किसी भी इंद्रिय के विषय में हमारा आकर्षण हो गया है तो अब क्या होगा, हम चोरी छिपे या किसी भी कीमत पर उस चीज को हासिल कर लेना चाहेंगे। अब जब हम उसे हासिल कर लेंगे तो हम कोई भी लज्जाजनक कार्य करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, हम छुप के कर लेंगे। और लज्जाजनक कार्य, अगर लज्जाजनक कार्य नहीं तो हम सबके सामने भी उस कार्य को क्यों नहीं कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप ऐसा कार्य कर बैठेंगे जो आपके लिए करना उचित नहीं है और आपको इसके लिए लज्जा भी नहीं आएगी। तो कह रहे हैं साथ साथ हम क्या स्मरण रखें, क्योंकि आज हम लोग सब अध्यात्म की कक्षा में बैठे हैं और हम लोग कई सालों से इन बातों को लगातार सुन रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम कम से कम इस कक्षा में तो आकर बैठने का मौका मिला। तो वो कह रहे हैं हम क्या याद रखें जिससे इंद्रियों के प्रलोभन से बच सकें। वो कहते हैं कि आप ये स्मरण रखें कि संसार में ऐसी भी वस्तु उपलब्ध है जिससे आपको चिर आनंद की प्राप्ति हो सकती है। फिर अपने प्रेम को एक क्षणभंगुर पदार्थ के लिए केंद्रित करना निरी मूर्खता है। यहाँ पर मुझे अष्टावक्र जी का एक कथन याद आ रहा है कि एक श्लोक में उन्होंने कहा था कि विषयों को विष की तरह त्याग दो। विषयों को, भाई हमारा आकर्षण विषयों में ही तो है, इंद्रियां मेरे अंदर है, विषय क्षेत्र बाहर है, तो किसी भी विषय में मेरी आसक्ति हो जाती है आकर्षण में पढ़कर, और बस मुझे रसगुल्ला खाना है तो खाना ही है, मुझे अमुक से मिलना है तो मिलना ही है, मुझे उससे किसी भी प्रकार से कोई भी आकर्षण, पांच इंद्रियां हैं, पांचों के विषय क्षेत्र हैं। तो अष्टावक्र जी जब ये कह रहे हैं कि इन विषयों को विष की तरह त्याग दो, तो ये समझ में नहीं आता है। मैं कहती हूं कि जिसमें विष लगा है वही विषय है, इसको ऐसे समझे कि जिसमें विष लगा है वही विषय है, तो विषय तो विष हो ही गया, तो इसलिए हमको सजग होना है। वो ये भी कहते हैं जैसे हर फूल में एक सर्प बैठा है, इसको ऐसा जाने कि हर फूल में एक सर्प बैठा है, तो हम ऐसे फूल को तोड़ने में और अपने घर की शोभा बढ़ाने में कतराएंगे कि नहीं कि सांप हमको कहीं काट ना ले। कम से कम हम यही बातें स्मरण रखें और किसी भी प्रकार से अपने इंद्रियों के प्रलोभन और उनका विषयों में जो आकर्षण होता है उससे हम अपने आप को बचा सकें। अब वो ये भी कहते हैं कि हम ये भी याद रखें
कि ना तो हम स्वयं शरीर हैं। आपको याद होगा शुरू में हम लोग मेडिटेशन करते थे तो शिखर जी ये मेडिटेशन कराते थे कि ना तो हम स्थूल शरीर हैं, ना हम वासना में शरीर हैं और ना हम निम्न मनस है, है ना, ये कराते थे कि नहीं कर? हम क्या है, हम दिव्य आत्मा है जो अमर है, शाश्वत है और ज्योतिर्मय है। मैं उस स्वरूप को याद रखूं और इतना तो मैं अब कहने की स्थिति में हूं कि जब इसकी प्रैक्टिस करी, क्योंकि इससे जैसे ही विमुख होते हैं वैसे ही मानसिक रोग आप पर हावी हो जाते हैं। वो रोग किसी भी प्रकार के मनोरोग हो सकते हैं। और ये भी मैंने जाना कि मेरी मानसिक अवस्था का मेरे शरीर पर क्या असर आता है। अभी भी ये हाल है कि अगर जरा सा इमोशनल गड़बड़ होती है तो बॉडी की जो नसें हैं उनमें एक स्टिफनेस आ जाती है और हम उसको फील भी करते हैं, तुरंत ही अपना डाइवर्शन, अपने मन का डाइवर्ट करते हैं। इस प्रकार से करें कि मैं ज्योतिर्मय स्वरूप हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं उस अविनाशी ईश्वर का अंश हूँ। और जब इस भाव दशा में जरा सा भी आते हैं तो हमने देखा कि वो सारे मनोविकार गायब होने लगते हैं, विलीन होने लगते हैं। तो हमारा सबसे यही कहना है कि आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब आगे वो कह रही हैं, इसी को रिपीट कर रहे हैं जरा सा, कि ना तो आप स्वयं शरीर हैं, ना आप इंद्रियां हैं। फिर जो दुख और सुख शरीर और इंद्रियों द्वारा आपको मिलता है वो आपको वास्तव में कदापि प्रभावित नहीं कर सकता। आप ये देखें कि अभी पिछले उसमें ये बात आई थी कि बाहरी वस्तुओं से हम प्रभावित ना हो, बाहरी चीजों, तो बाहरी चीजें क्या विषय क्षेत्र हो गया, सारा विषय क्षेत्र आपके बाहर है और उन्हीं से हम सुख पाते हैं दुख पाते हैं, लिहाजा सुखी और दुखी होते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो हमको ये मिलता है इससे हम अपने को कदापि प्रभावित न करें और आकर्षित करने वाली अन्य वस्तुओं के विषय में भी हमको इन्हीं उक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अब कहते हैं शुरू में हम असफल अवश्य होंगे, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हमको इसमें निश्चित सफलता मिलने लगेगी। आगे वो और कहती हैं कि बहुत ज्यादा पढ़िए मत, लेकिन जितने मिनट आप पढ़ते हैं उतना घंटा आप उस पर मनन कीजिए और एकांतवास का अभ्यास कीजिए और केवल अपने ही विचारों में एकांत में निमग्न रहने की आदत डालिए। ये एकांतवास बहुत जरूरी है। हम भीड़ में तो अपने को संभाल लेते हैं कि हाँ हमको ऐसे व्यवहार करना है, ये करना है, लेकिन जब हम एकांत में होते ही तुरंत या तो टीवी का बटन ऑन कर देते हैं या म्यूजिक सुनने लगते हैं या किसी से मोबाइल पर बात करने लगते हैं, इस तरह हम इंगेज कर देते हैं। तो इसका बड़ा टेस्टिंग का टाइम है ये कि आप एकांत और अकेलेपन का जो उपयोग है वो आप किस प्रकार करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने को इस विचार का अभ्यस्त बना लीजिए कि स्वयं आपने को छोड़कर, अपने को छोड़कर आपकी सहायता कोई और नहीं कर सकता। ये बात बहुत जानने योग्य है कि हमारी सहायता हम स्वयं ही कर सकते हैं, कोई दूसरा मेरी सहायता नहीं कर सकता है। और धीरे धीरे सोते समय वो कहती हैं कि सभी चीजों से अपनी आसक्ति उठा लीजिए। सोते समय जरूर इस बात को सोचिए कि ना आप शरीर है, ना आप वासना में कोश है, ना आप निम्न मनस है। ये सोते समय अवश्य सोचिए और सभी वस्तुओं से धीरे से अपने को विड्रॉ कर लीजिए। और सोने के पहले आप फिर प्रार्थना कीजिए जैसा कि आपने सोकर उठने के समय मॉर्निंग में किया था। वो कहते हैं कि दिन भर में जो जो कर्म, जो जो क्रियाएं आपने की हैं, उनका उन पर दृष्टि डालिए, उनका सिंहावलोकन करिए और ये देखिए कि आप कहाँ कहाँ असफल हुए हैं और फिर इस बात का दृढ़ संकल्प करिए कि ये विषयों को अब आप फिर से न दोहराएंगे और फिर आप असफल नहीं। डेली अगर हम इन टिप्स को प्रैक्टिस में ले लें तो मैंने पाया कि निश्चित सफलता मिलती है। शुरू में जरूर फेल होते हैं लेकिन धीरे धीरे जब हम सजग होने लगते हैं तो हमको हर बार, मुझे याद है एक दिन अभी बहुत तेज मेरे को कुछ क्रोध का वो हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने कहा नहीं, मैं रोज सुबह उठ के ये सोचती हूँ कि मैं ईश्वर का अंश हूँ तो मुझ में ईश्वरीय गरिमा आनी चाहिए, तो मैंने देखा कि उन चीजों से एकदम तुरंत विलीन हो गया वो। तो मैं आप लोगों को भी कहूंगी प्रैक्टिस करिए और फिर स्वयं निरीक्षण करिए, स्वयं आत्मविश्लेषण करिए, देखिए। इसके अलावा मैडम ब्लॉटिंस्की ने कुछ और पॉइंट्स भी बताए हैं कि आप क्या करें
इसमें देखिए गीता के निष्काम कर्म की भी बात आ रही है, ये भी चीज एक हमको कि लेकिन एकदम से कामना रहित कैसे हो जाए। तो जो अपने निम्न स्व को यानी अपने देहगत विष उसको भूल कर जो अपना कर्तव्य करें वही वही कार्य सरल और आसान हो जाएगा। निम्न स्व को भूलें अर्थात गीता में जो निष्काम कर्म की थ्योरी है कि कामना रहित स्वार्थ रहित अपने अपने लाभालाभ को छोड़कर अगर हम दूसरों के वेलफेयर में कार्य करें तो उससे हमें बहुत सहायता मिलती है। अब यह है दूसरा कि एक महत्वपूर्ण चीज जिस पर जो अक्सर हम लोग कह देते हैं कि अरे भाई बड़ा मनोबल बढ़ाया बड़ा हौसला अफजाई करी, तो इसमें जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा पर कभी गर्व ना करें। ये बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं, इसीलिए मैं इसको इसको भी ले आई हूँ पॉइंट्स को कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा पर गर्व ना करें, उनके अच्छे या बुरे मत को हम कोई महत्व तो ना दें। क्यों क्यों ना दें महत्व? तो लोग तो कहते हैं महत्व देना चाहिए दूसरों के विचारों का, लेकिन यदि हम स्वयं जानते हैं कि वो कार्य दूसरों के लिए सहायक और कल्याणकारी, यदि मेरे द्वारा किया गया कार्य कल्याणकारी है मास वेलफेयर में है तो फिर हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि लोगों की राय की अपेक्षा क्या है जो हमको ज्यादा डेफिनेट आंसर दे सकती है? वो कहते हैं कि हम सदैव अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति या निंदा को अधिक महत्व। तीसरी बात कि आसपास की भीड़ में हम अकेले रहना सीखें और अपने आंतरिक सच्चे स्वरूप से जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वही वास्तव में हमारा ईश्वर है। अब एक और बहुत चीज है, वो कहते हैं कि हम लोग शुभ संकल्प तो बहुत आते हैं मन में, मगर कितने कितने हैं जो पूरा करते हैं? कुछ लोग प्रमादवश उसको छोड़ देते हैं, कुछ लोग कह देंगे समय नहीं है या इस समय हम पर पैसा नहीं है या मुझ पर संसाधन नहीं है। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई है थियोसॉफी में, मैडम रॉस्की कहती है कि अपने शुभ संकल्पों को तुरंत पूरा करें। किसी को देने की इच्छा है, किसी के लिए शारीरिक सेवा करने की इच्छा है, किसी की विचारों से करने की इच्छा, क्यों? क्योंकि नरक का द्वार उन्हीं ईंटों से बना हुआ है जो शुभ संकल्प आपने पूरे नहीं किए। ये देखिए कि आपके नरक का जो द्वार है वो उन ईंटों से निर्मित है जो शुभ संकल्प आपने पूरे नहीं किए। कोई मजबूरी कोई विवशता उसके भी उचित और अनुचित होने का फैसला आप खुद करेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर आप अपने शुभ संकल्पों को तुरंत पूरा करें तो ये एक आपके आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सहायता मिलेगी। इसके बाद एक वाणी संयम की बात आती है कि वाणी संयम बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि जिसने वाक तप करके वाणी को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। वक्ता या ज्ञानी के लिए नियम अकाट्य अटल और पूर्ण रूपेण निष्पक्ष है। इस सिद्धांत की संकल्पना प्रेरणादायी स्फूर्तिदायक हो सकती है। मतलब कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए तो ये नियम जो कर्म सिद्धांत या जो नियम प्रकृति का है वो बहुत ही प्रेरणादायी है और स्फूर्तिदायक है, लेकिन यही संकल्पना एक अविकसित और कम विकसित मनुष्य के लिए क्रूर और निर्दयी होगी। तभी तो ऐसे लोग विधाता को दोषी ठहराने लगते हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं क्योंकि उनका विकास वहीं तक हुआ है। तो सामने वाले की पता लगा कि हमने वाणी का प्रयोग अगर ठीक ठीक नहीं किया तो सामने वाले की सहायता के बजाय नुकसान ही अधिक हो सकता है। जैसे जो वो पिछले उसमें बताया था कि एक कबीले के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मार कर खा लिया भूख लगने पर, और जब उससे चार्ल्स डार्विन ने पूछा कि तुमने पत्नी को मार, तो कह रहा है कि इसका मांस बहुत स्वादिष्ट था। अर्थात ये अविकसित पूर्ण अविकसित व्यक्ति है और इसको अभी इस बात का ज्ञान ही नहीं है, उसको केवल भूख लगी उसने मार के खा लिया कोई भी उत्साह नहीं। तो ऐसे के सामने अगर मैं कहूँ कि तुम ब्रह्म हो संसार ब्रह्म है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वाणी का प्रयोग तराजू की तरह तौल कर हमें करना है। और श्री गुरु चरणेश में भी देखिए आया है, वो कहते हैं कि हम हारमनी की बात तो करते हैं पर स्थिति आने पर भूल जाते हैं। और एक चीज और हम लोग गलती करते हैं जो मैंने भी अपने जीवन में की कि स्थिति आने पर भूलते हैं और गर्व करते हैं कि हमने तो सत्य बात कही, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो वो कहते हैं बिना किसी की भावनाओं का ख्याल रखे
हम सत्य बोल जाते हैं और साथ में ये गर्व भी करते हैं कि हमने तो सत्य बात कही और सत्य कड़वा होता है, जस्टिफाई कर देते हैं। ये कहते हैं ये बिल्कुल सतही, मैडम लॉस्की कह रही है कि ये सतही है, व्यर्थ है और बहुत ही दुष्टतापूर्ण है। वो कहते हैं सत्य जो है, सत्य धर्म परम सत्य को परम विनम्रता के साथ प्रस्तुत करता है। बार बार थियोसॉफी में आया है कि वाणी सत्य हो मगर हितकर हो, कल्याणकारी हो और विनम्रता के साथ कही गई हो। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। और अंतिम बात मौन की आती है कि मौन रहने की शक्ति बहुत बड़ी है, जिससे कि बहुत अच्छे प्रभाव पैदा होते हैं। मैंने मौन की प्रैक्टिस की। जो मौन को सहन नहीं कर सकता और हमेशा बातचीत में लगा रहता है, तो वह अपनी नैतिकता और वैचारिक शक्ति को खो रहा है, साथ साथ सैकड़ों गलतियां करता जा रहा है। जो मौन से घबराते हैं वो उनकी मानसिक कमजोरी का प्रतीक है, और शांतिपूर्ण मौन मूर्खतापूर्ण वाणी से कहीं अच्छा है। मत बोलिए, लोग आपको मूर्ख समझे कोई बात नहीं, लेकिन शांतपूर्ण मौन मूर्खतापूर्ण वाणी से कहीं अच्छा है। मौन में भावनाओं और विचारों का विकास होता है, नियंत्रण में रहता है और सशक्त होता है, और इस तरह हमारे स्वभाव में कार्य को ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार ये पूरे दिन भर का ब्योरा था कि परामर्श दिए थे मैडम डॉल्स्की ने कि हमको क्या करना चाहिए, और हमने ये भी देखा कि इसके लिए हमको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, केवल अपना नजरिया बदल लेना है, क्योंकि जैसे ही दृष्टि बदलेगी वैसे ही सृष्टि बदल जाएगी। तो दृष्टि बदलने की जरूरत है, और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा सीधा और सहज उपाय बता दिया है कि दिन भर की एक्टिविटीज के साथ हम अपने इमोशनल और अपने मेंटल प्लेन को कैसे उसके साथ संयुक्त कर दें, तो हमें पवित्रता आती जाएगी, विनम्रता आती जाएगी, उदारता आती जाएगी, जो कि मानव समाज के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप मम्मी का, और बसुमती जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया हम लोगों के सामने। तो अभी हम लोगों ने देखिए पढ़ा दैनिक जीवन के बारे में बहुत प्रैक्टिकल सजेशंस जो जिज्ञासु हैं और इस मार्ग पे चलना चाहते हैं और वाकई में अपने अंदर परिवर्तन लाकर एक नई दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ गाइडेंस हम लोगों ने देखी। तो सबसे पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसका, ये एक छोटी सी पुस्तक है प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म या व्यवहारिक आत्मविद्या, इसके पेजेस की फोटो खींच के मैं भेज दूंगा, जिनके पास नहीं है तो इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो वो मम्मी से शेयर कर सकते हैं या सभी हम सभी लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने शेयर किया उस विषय के बारे में। नहीं, मेरा प्रश्न तो नहीं है, आपने जितना भी कुछ बताया बहुत अच्छा बताया, और मेरा ख्याल है आप में से बहुत से लोग ये प्रैक्टिसेस कर भी रहे होंगे पहले से भी, और वो अब और दृढ़ हो गया है कि हाँ बड़ी मतलब अब हम लोगों को बड़े संकल्प के साथ ये करनी है प्रैक्टिसेस जो आपने बताई हैं। मैं एक बात पे थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं जो कहने जा रही हूँ वो बहुत सही ना हो, पर फिर भी मुझे लगता है एक बात जो आपने कही कि हम लोग के दिमाग में जब खाली होता है तो अनावश्यक विचार बहते रहते हैं, तो उसके बजाय हम लोगों को अपने दोषों को देख लेना चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए और फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पर दोष बहुत ज्यादा कभी किसी ने कहा था जो हम लोग के लिए बड़े आदरणीय है कि दोष दर्शन की प्रवृत्ति ही गलत है, दूसरे में भी और अपने में भी। पर हम इस बात में ये ऐड करना चाहते हैं कि अपने में दोष देख लिया, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि क्रोध को ही ले और दिमाग में ये दोष आता है कि हाँ मैं क्रोधी हूँ, तो उस वक्त ये एक बार केवल विचार आए और फिर उसके बाद अपने को शांत भाव मुद्रा में या शांत मुद्रा में इमेजिन करना चाहिए शायद, और इमेजिन करके अपने को बराबर शांत में शांत हूँ
मेरी मैं किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रही हूँ और मुझ में असीम शांति उतर रही है। इस तरह का मेडिटेशन करने से शायद क्रोध की प्रवृत्ति को थोड़ा कम किया जा सकता हो। ये मेरे पर्सनल बिल्कुल व्यक्तिगत विचार है और ये जरूरी नहीं कि ये सबके लिए सही हो, बस व्यक्त करने की बात थी इसलिए कही भाई। हाँ, बहुत वसु जी आपका हाँ, पूरा लेक्चर मेरे हमें ध्यान नहीं था जी, नोट करने लाए था। शिखर जो कह रहे हैं कि वो कौन सा वैराग्य विद्या का कागज भेजेंगे तो उसमें क्या इतनी ही सरल भाषा में सब होगा? हाँ, उसमें ये तुम्हारे पास अच्छा, किताब है। बोलो शिखर बोलो। हाँ, ये किताब में हाँ अधिकतर जो चीजें पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे उस किताब में हैं, और जो एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है वो ये जो रिकॉर्डिंग हुई है मीटिंग की, ये हम मैं वीडियो के फॉर्म में भी, यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में भी सबसे शेयर कर दूंगा, तो कभी अगर किसी को फिर से देखना हो तो देख सकता है। और तो इसलिए कोई चिंता मत करिए, अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार से कर ले सकते हैं जी। हाँ शिखर जी, मैं एक बात जो भूल गई थी वो ऐड कर दूं बस एक मिनट में। हाँ, कि अगर हम बार बार अपने दोषों को भी ध्यान रखते रहेंगे कि मैं क्रोधी हूँ तो शायद ये और ज्यादा क्रोधी होने की प्रवृत्ति हमें आ जाएगी। इसलिए मैंने ये बात कही कि एक बार सोच लेने पर उसके बाद उसको शांत रहने वाली बात मैंने कही कि शांत रहने की बस इतना ही। मैं इसमें बहुत सही कहा, ये बहुत सही कहा, मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि जब मैडम ब्लॉस्की के विचार इसमें बता रही थी तो उन्होंने दो बातें कही थी कि या तो हम सिद्ध महात्मा गणों के स्वरूप और उनके गुणों और उनकी चीजों या इष्ट देव के गुण के बारे में सोचें, या अगर ये नहीं कर सकते तो ये प्रारंभिक स्तर की बात है, ये प्रारंभिक, क्योंकि अगर हम यही नहीं जानेंगे कि क्रोध है तो उसको नष्ट करने का प्रश्न कहाँ पैदा होता है, तो ये आरंभिक प्रारंभिक स्तर की बात है कि ऐसा करें। और आगे मैंने ये भी बोला, इसमें आया था कि अगर मैं ये सोच लूं रोज प्रातः इतना दृढ़ संकल्प हो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, तो मैंने देखा ये जैसे तुमने उसको शांत भाव में आने की बात कही, जैसे ही ये अगर तुरंत स्मरण आ जाए तो क्रोध तुरंत विलीन हो जाता है। और दूसरे ये जितनी चीजें हैं ये प्रारंभिक स्तर की हैं, एक साधक जो मार्ग पे चलना शुरू किया है और अभी अभी वो उसे मुक्त नहीं हो पाया है अपने बंधनों से, अपनी चीजों से और अपने स्नायु तंत्र से, सबसे बड़ी बात, तो उसको प्रारंभिक स्तर में ये करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत 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 धन्यवाद। एक बात इसी में मैं और जोड़ना चाहूंगा कि दोष दर्शन एक्चुअली करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो, क्योंकि देखिए जब तक हम कहते हैं ना कि अगर हमें अपने अज्ञान का भास हो गया तो हमने प्रज्ञा की ओर पहला कदम बढ़ा दिया, तो अगर हम अपने को बढ़ा दिया, हाँ अगर हम अपने अज्ञान को नहीं जानते हैं, अपने अंदर की कमी को नहीं जानते हैं तो हम कभी उस पर कुछ पॉजिटिव काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो किस तरीके से देखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं, जैसे कोई घटना हुई पास्ट में, किसी ने हमको धोखा दिया या किसी ने हमसे बुरा बर्ताव किया, तो अब हम उस घटना को एज ए ऑब्जेक्टिव तरीके से तथ्य के रूप में याद करें तो उसका हमारे ऊपर कोई इमोशनल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस घटना के साथ उन इमोशंस को फिर से जी रहे हैं तो फिर हम और वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम ये नहीं सोचें कि हम क्रोधी हैं नहीं, इसीलिए जो एचपी ब्लावस्की कह रही हैं वो कह रही हैं कि जब हम अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज का अवलोकन करते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि मैं क्रोधी हूं, लेकिन मैंने उस व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, ये घटना को हम एज ए साक्षी की तरह देख रहे हैं। तो उस साक्षी की तरह जब हम देख रहे हैं तो हम उससे इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं और उस समय पे उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि अरे देखो उसने मेरे साथ पूरा बर्ताव किया और कुछ किया, तो फिर उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हाँ, और जो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उन्होंने कहा है कि जब खाली दिमाग हो या जो व्यर्थ के विचार हमारे दिमाग में आते हैं
वो ज्यादा मुश्किल है दूर करने के लिए, क्योंकि जो बुरे विचार हैं उनके प्रति तो हम वैसे ही सजग हैं जो बहुत बुरे बुरे विचार हैं, लेकिन हम राह चलते जा रहे हैं, हम विंडो शॉपिंग करते जा रहे हैं, अरे तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, बालों का स्टाइल कैसा है, कहाँ से खरीदा, वो कहाँ से खरीदा, जो इस तरीके के अननेसेसरी थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं लगातार, वो हमारी एनर्जी को ज्यादा सोखते हैं। क्योंकि जो मान लीजिए किसी के प्रति हमारे बहुत क्रोध आया तो हम तुरंत जान जाएंगे अरे नहीं नहीं ये गलत है इसको हटाओ, लेकिन ये सब जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, हम सोचते हैं अरे इससे किसी की क्या हानि हो रही है, हम भाई किसी का फर्नीचर अच्छा है, किसी की बिल्डिंग अच्छी है, किसी का वो अच्छा है, ये तो हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो जहां जब हमें कोई चीज की जरूरत है, अगर हमें कोई चेयर खरीदनी है तो हमने पूरा सर्वे कर लिया चेयर खरीदने का, चेयर खरीद ली खत्म, लेकिन हर समय हमारे दिमाग में अगर ये चलता जा रहा है तो फिर हमारी एनर्जी बहुत उस यूज हो रही है। और जो वो कह रही है कि अगर हम मान लीजिए क्रोधी हैं तो सही, आपने एक्चुअली दोनों ही बातें सही हैं कि हम उसके ऑपोजिट वर्चू का, जैसा आप मौसी ने कहा ऑपोजिट वर्चू का ध्यान करें तो वो हमारे अंदर आते जाएंगे, या जैसे HPBA ने कहा है कि हम गुरुदेवों का या ईश्वर का, या अभी अभी कुछ दिनों पहले मधुराष्टकम शेयर किया सबके साथ तो उसके बारे में ये कहा जाता है, ये प्रभा मौसी ने ही कहा था बताया था कि अगर इसका चैंटिंग कोई करता है रेगुलरली और जिसके स्वभाव में थोड़ी कठोरता है तो उसके अंदर मधुरता आने लगती है। जी जी, तो इस तरीके ये बिल्कुल सही है कि अगर हम ऑपोजिट वर्चू का लगातार ध्यान करें तो वो हमारे अंदर गुण आने लगेगा। लेकिन आपकी ये बात भी सही है कि अगर हम बहुत ज्यादा केंद्रित इस बात पे हो जाएंगे कि मैं क्रोधी हूँ मैं तो करता, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेसिकली हम और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपने चीजों का अवलोकन करें लेकिन एक निष्पक्ष माइंड से, एक जिसे चॉइसलेस अवेयरनेस जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। तो ये जस्ट कुछ विचार आए थे तो मुझे लगा शेयर करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद वसु जी और शिखर जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि होता है अक्सर ऐसा कि जब हम घटनाओं को याद करते हैं तो उनसे हम इमोशनली भी प्रभावित वर्तमान में होने लगते हैं, जो कि एक सही प्रक्रिया नहीं। क्योंकि कुछ चीजें है ना, डे टू डे के सेशन को हम अपनी वाइफ के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, भांजे के साथ अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सेशन वाकई हमें जरूरत थी इस सेशन की। मुझे लग रहा है हमारी जो जरूरत है आपने पहचान करके आज इसको चर्चा में लाया, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इसमें विचार करेंगे और अपने ऊपर जो है इसको कोशिश करेंगे कि अपने ऊपर भी अनुरूप प्रैक्टिस में करें। बिल्कुल, बहुत बातों को जानते हैं लेकिन जो है यदि लगातार इसका जागरूक होते हैं ना तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और देखिए विकास जी ने एक बहुत गहरे लॉ ऑफ नेचर को यहाँ कह दिया, वो कह रहे हैं कि हमारी जरूरत थी और आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया, ना हमने कोई पूरा किया ना किसी ने कुछ पूरा किया, ये जो चेतना है ये एक है, और जहाँ कोई जेन्युइन नीड होती है तो कहीं ना कहीं से उसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है, माध्यम कोई बन जाता है, लेकिन जहाँ प्यास होती है वहां तक जो ये चीजें हैं वो अपने, तो जरूरत हमें अपने अंदर प्यास पैदा करने की है, चीजें हमारे पास अपने आप आ जाएंगी। जैसे कहते हैं ना व्हेन द डिसाइपल, जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है, हमें उसे ढूंढने की हमारी वाइब्रेशन आप लोगों का बहुत भाई, नीट की वाइब्रेशन पहुंच गई थी आपके पास। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सभी एक परिवार की तरह हैं, इतने सालों से हम लोग साथ बैठ के अपने सुख दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं और उसी में हमें प्रकाश की कोई किरण भी मिलती है, तो ये सही बात है। और ये जो ग्रुप है, ये हम लोग ये ना जाने कि अभी मीटिंग्स चल रही हैं, ये जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है जो कि अलग अलग फॉर्म में, कभी हम मित्र के फॉर्म में, भाई बहन माता पिता के रूप में आते रहते हैं, लेकिन ये जो जीवात्मा का रिश्ता है ये जन्म पर जन्म चलता रहता है। जो पॉइंट शेयर किए थे कि नेवर डू एनीथिंग विच, जो आपका कर्तव्य नहीं है उसे करने से बचिए, इसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ हमारा कर्तव्य है कहाँ हमारा नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग अच्छा दिखने के लिए या दूसरे के नजर में अच्छा बनने के लिए कई बार हम चीजें करते चले जाते हैं जो कि हमारा कर्तव्य नहीं भी है,
तो वहां पे हमें ये सीखना चाहिए हाउ टू से नो, क्योंकि कई बार जब हम दूसरे का ड्यूटी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो एक्चुअली हम उस व्यक्ति को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम उसके इवोल्यूशन में बाधा पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा है हमारे गाइडेंस में, स्पेशली कोई बच्चा है हमारे घर में और हम उसके लिए आगे से आगे बढ़ बढ़ के सब कुछ उसको कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं हम उसको प्यार दिखा रहे हैं और हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं। अगर हम बीच बीच में उसको हाँ भाई अपने जूतों के लेसेस खुद बांधो, हाँ जब कोई घर में आए तो उसको नमस्ते करो, या पापा ऑफिस से आ रहे हैं तो उनको पानी के लिए पूछो, ये छोटी छोटी जो चीजें, या मम्मी ऑफिस से आ रही हैं तो उनको एकदम से प्रॉब्लम्स ना बताओ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जब हम उनको अभी से सिखाएंगे तो वो एक बहुत ही मैच्योर मनुष्य के रूप में डेवलप होंगे। लेकिन अगर हम अभी से उनको बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेंगे कि नहीं हम सब कुछ कर देंगे तुम्हारा और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो एक्चुअली हम उनके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए। हमें अभी से उनमें ये चीजें डेवलप करनी है जिससे उनमें अवेयरनेस डेवलप हो अपने चारों ओर के लोगों के प्रति, पौधों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, रिश्तों के प्रति, और हम उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम बात है कि कर्तव्य हम करें जितने जरूरी हैं, लेकिन कहां हमें ये विवेक का इस्तेमाल करना है कि हमें अब इससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो वो हम व्यक्ति को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेंगे, तो वो करने से बचना चाहिए। नमस्ते शुभम जी, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुभम जी। सर बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच सुनकर, और इससे ये सीखने को मुझे मिला कि कैसे हमें अपनी लाइफ में कैसे किस आदमी को किस हिसाब से डील करना है, कहाँ पे हमें क्या वक्त बात ऐसी बोलनी है और कैसे डील करना है अपना जो है, मतलब जो ऑल ओवर जो मीटिंग का जो मैंने 40 मिनट का जो सेशन जो है मैंने जो है सुना है, तो उसका मतलब ये है पूरा निचोड़ की दैट एज वी सो सो शैल वी ऑल बी, मतलब जैसे कि जैसा हम लोग बोएंगे वैसा ही हम लोग काटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटी से वर्ड में ये मुझे सीखने को मिला। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के, और देखिए ऐसे ही कहां से कहीं ना कहीं से क्या मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात कही, और ये सुन के हम लोगों को अपनी मीटिंग करने के की सफलता पे वो होता है कि हम लोग सोच रहे थे कि इस तरीके की मीटिंग से कितना लाभ होगा, लेकिन मुझे लगता है सभी को अपना जो अगर हकीकत में जीने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जीवन ही परिश्रम का नाम ही है जीवन, और जब हम इस तरीके से जीते हैं तो और ज्यादा हमें परिश्रम करना पड़ता है। सही बात है, लेकिन परिश्रम करने से क्या होता है, सफलताएं प्राप्त होती है। हाँ, सफलता तो मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है परिश्रम करने से हम बहुत और स्ट्रांग होते हैं। आप हाँ भाई, व्यक्ति जिम्नेजियम जाके परिश्रम ही तो करता है, इतने वजन उठाता है और वेट्स उठाता है, अपनी बॉडी बनाता है, मसल्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाता है तो परिश्रम करके। तो अगर हमारे जीवन में परिश्रम नहीं है तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जीवन ही नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत ही सही बात कही, और इसीलिए जो आलस है वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु कहा गया है, सबसे बड़ा आलस का टेस्ट वही हो जाता है। आंख खुली तो क्या हम उठ के बैठ के अपना चैतन्य होके शुरू हो गए दिनचर्या में, या अभी हम बेड पे इधर से उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा शिखर भैया। हाँ जी जी द्विवेदी जी, शिखर भैया भावी ने शुरुआत से बहुत अच्छा कहा, और वास्तव में मानव मात्र के कल्याण के लिए हमें प्रार्थना करना ही चाहिए और परमार्थ में ही अपना समय बिताना चाहिए। बिल्कुल, और इसी में अपना जो है, भाभी ने लास्ट में भी कहा कि दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा उन्होंने,
और एक बात, हाँ बहुत आपने पॉइंट याद दिला दिया, जो बात कही गई थी कि मानव मात्र की आध्यात्मिक कल्याण का हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन अक्सर हम प्रार्थना क्या करते हैं कि उसके कल्याण की, हाँ नहीं मतलब मटेरियलिस्टिक कल्याण की, भाई नौकरी लग जाए, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, स्वार्थ से जोड़कर, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक कल्याण की प्रार्थना करेंगे तो उसमें सब कुछ समाहित है, उसमें मानसिक भावनात्मक शारीरिक सब कल्याण समाहित है। लेकिन अगर हम केवल शारीरिक कल्याण की बात करेंगे तो हो सकता है नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी ऐसी टेंशन वाली हो कि मानसिक सुख ना मिल पाए, या जो भी हम चाहें कि धन मिल जाए, हमारी प्रार्थना में है जो जन करे कब तुकार हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रार्थना में ही है सबके साथ जो। बिल्कुल, तो अगर कोई व्यक्ति सिक भी है, रोगी भी है, तो हमें उसके समग्र कल्याण की कामना करनी है, समग्र स्वास्थ्य की, क्योंकि कई बार होता है कि शरीर छूटना ही जीवात्मा के लिए बेस्ट होता है। लेकिन हम अगर प्रार्थना करने लगे नहीं नहीं हमें ये व्यक्ति ठीक ही चाहिए, स्वस्थ ही चाहिए, तो फिर हम उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसमें भी इनका कल्याण हो, अगर शरीर छूटने में कल्याण है या अगर शरीर रहने में कल्याण है, जो भी बेस्ट है वो हो, तो हम वास्तव में उस जीवात्मा की मदद कर रहे हैं। थैंक यू। और जयंती जी, मतलब जैसे अभी आपने कहा समग्र कल्याण की भी प्रार्थना करेंगे तो उसमें हम लोग खुद ही उसमें शामिल हो जाते हैं, हम खुद भी शामिल, तो उसमें अलग से अपने लिए करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब हम करेंगे तो उसमें हम भी है, मतलब हम भी है। तो बिल्कुल, तो आज का सेशन, आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, उसमें सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या का जो एक एक जो पॉइंट बताया गया है, तो वो बहुत अच्छा रहा, मतलब लाभकारी है अपने लिए, मतलब कि हम कैसे अगर और उन मतलब ऊपर उठ सकते हैं, मतलब और अपने मतलब जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही ये बहुत इसीलिए विचार आया था कि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, तो हाँ जो हम आसानी से कर सकते हैं, मतलब सुबह हाँ उठ के थोड़ा 2-4-5 मिनट दे ही सकते हैं, जी जी बिल्कुल, बिस्तर से उठने से पहले, तो इससे हमारा सारा दिन मतलब अच्छा जाएगा, मतलब अगर हम अच्छे ही विचारों के उससे चलेंगे तो हमारा सारा दिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा व्यतीत होगा, मतलब हाँ, हमारी दृष्टि बदलेगी तो फिर हमारी सृष्टि भी बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, फिर हम लोग क्लोज करते हैं, सब लोग सभी मनुष्य मात्र के समग्र कल्याण के लिए पूरे भाव और संकल्प के साथ हम लोग ये श्लोक बोलेंगे। ओम सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।